आज हम मनाने जा रहे हैं नानचाप, जो बॉम्बे की स्पेशल स्ट्रीट फूड है। ये मैंने लिया है हाफ कप हरा धनिया पुदीना, 5 हरी मिर्चियाँ चॉप्ड, 1 मीडियम साइज ओनियन चॉप्ड, 1 नींबू का रस, और लिया है 10 दम आलू। अगर आप चाहें तो नॉर्मल आलू ले सकते हो, बड़े बड़े 2 आलू। इनको बॉईल करके मैश कर देना है। और मैंने लिया है छोटे छोटे पीसेस मटन के बोनलेस, ये है 1/2 किलो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, नमक। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1/2 कप का। अब मैं इसको बॉईल करने रख रही हूँ। गोश्त मेरा उबल गया है, अब इसका पानी मैं सुखा रही हूँ। नमक थोड़ा कम था, उसमें नमक भी डाल। मैंने ले लिया है 1/3 कप का 1/2 कप तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। गोश्त का पानी सुखा दिया मैंने, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ताकि मेरी प्याज जल्दी से लाल हो जाए। प्याज मेरी लाल हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसको 5 मिनट तक भून लेना है। 5 मिनट तक मैंने भून दिया। इसको आप नॉन स्टिक में बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा मैश पोटैटो। इसको मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और तेल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची और हरा धनिया पुदीना, जो मैंने काट के रखा था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, 1 लेमन जूस मैंने जो निकाल के रखा था। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ, नमक थोड़ा कम लग रहा है। इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हमको भून लेना है। ये है मेरे पास 2 नान, जिसको मैं बीच में से काट रही हूँ। दोनों नान को मैंने बीच में से कट कर दिया है। पहले मैं नान को आगे पीछे से फ्राई कर रही हूँ। आगे पीछे से फ्राई करने के बाद हमको इसमें स्टफिंग भरना है। आगे पीछे से फ्राई कर लिया मैंने नान को, अब मैं इस पर स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग डाल दिया है मैंने दोनों पे, अब दूसरे वाले को इसे ढक देना है। नानचाप रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।